Given example application, in that case, again inside switch statement, we are providing a statement outside case labels or outside body of any case. Means इस case में puts S1 statement किसी भी case का part नहीं, इसलिए इसको कभी भी execution assign नहीं हुआ और which will never becomes part of execution of the programs. In that case, first of all, सबसे पहले जैसे इस प्रोग्राम के केस में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले परफॉर्म कराएं मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल CH. CH का डेटा टाइप कैरेक्टर, इसलिए इसके लिए बाइट्स कितने एलोकेट होंगे, ओनली 1 बाइट, और वी कैन से देयर इज 8 बिट एलोकेशंस. 8 बिट्स के रिस्पेक्ट में या CH में वैल्यू असाइन करें, वैल्यू इंटरनली मेमोरी के किस फॉर्म में असाइन हुआ, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट. फर्स्ट थिंग्स, CH का डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स के केस में अनसाइंड रेंज क्या है इसका, -128 to +127. मींस साइंड के केस में मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगा 127, अनसाइंड के केसेस में रेंज क्या है इसका 0 to 255. तो करेंटली इस केस में असाइन क्या करा है 280, जो कि दोनों ही रेंज से बड़ा है. मींस इसका मीनिंग मतलब क्या निकला, 280 1 बाइट में प्रॉपर्ली स्टोर करना पॉसिबल नहीं था. इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में प्रोवाइड क्या करेंगे, इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 280? 280 कैन बी रिटन एज 256. मींस सबसे पहले मैं इसके बाइनरी नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए टेबल्स प्रोवाइड कर रहा हूं, 256 512 देन 128 देन 64 32 16 8421 8421. देन इस केस में इसका कॉम्बिनेशन क्या रहा है, इट कैन बी रिटन एज 256 प्लस 16 प्लस 8, इसमें तीनों का एडिशन क्या आएगा 280. इस केस में राइट क्या करें, 1 0 0 0 1 1 0 0 0. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 280. 280 का बाइनरी नंबर्स करेंटली कितने बिट्स में स्टोर हो रहा है, इस नंबर के बिट कितने बिट्स में जनरेट हुआ, 9 बिट्स. देयर इज टोटल इस केस में बिट्स कितने हैं, 1 2 4 8 9 बिट्स. इस फाइनली वैल्यू क्या इसका, इट इज इक्वलेंट टू 100113 times 0. इस फाइनल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड बिट्स कितने होंगे, 9 बिट्स, लेकिन CH के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं, ओनली 8 बिट्स. इसलिए ओनली राइट मोस्ट 8 बिट्स डेटा कॉपी करना पॉसिबल है. इस केस में 1 को कंसीडर करें, जा रिमूव डॉट डिस्कार्डेड बिट्स, असाइन क्या होगा 0 0 0 देन 1 1 देन अगेन 3 times 0. नेक्स्ट 1 को स्टोर करने के लिए कोई भी मेमोरी प्लेस अवेलेबल नहीं. प्लस नंबर का साइन बिट फाउंड हो रहा 0, नंबर इज पॉजिटिव. एंड व्हाट इज द 8 से इक्विवेलेंट वैल्यू असाइन के, फिजिकली क्या असाइन किया इस केस में 280, लेकिन ये इक्विवेलेंट किसके, 16 प्लस 8 इज 24. मींस करेंटली CH में वैल्यू क्या स्टोर हो रहा है, 24. मींस फिजिकली ऐसा लग रहा है इस केस में CH का वैल्यू 280 है, प्लस CH का वैल्यू मैच किस हो जाएगा, केस फर्स्ट है 280, लेकिन इस केस में अवेलेबल क्या है 24. तो CH का वैल्यू सबसे पहले किससे मैच होगा, केस फर्स्ट 280. मींस लाइक दैट CH is equal equals to 280. Condition is true or false? Condition is false. Physically CH में 280, लेकिन logically memory के अंदर क्या found हो रहा है, 24. इसका meaning क्या हुआ, 24 equal equal 280, condition false. First case match नहीं रहा, then match क्या करेंगे, second case. Second case के केस में level क्या found हो रहा है, 24. CH का value क्या found हो रहा है, 24. कंडीशन इज ट्रू. तो इस केस में चांस किसको मिलेगा, केस सेकंड. केस सेकंड के अकॉर्डिंग आउटपुट में मैसेज प्रिंट होगा एज अ एस थ्री प्लस पोर्ट्स फंक्शन के अकॉर्डिंग लाइन चेंज हो जाएगा, कर्सर कहाँ सेंड हो जाएगा, ऑन द नेक्स्ट लाइन. इसके जस्ट बाद कहीं ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड हुआ, जैसे ही कोई केस मैच होता है उसका रिमेनिंग सारे केस एग्जीक्यूट होंगे. इसको कंसिडर करोगे लॉजिकली रिमूविंग ऑल केसेस लाइक दैट. मीन्स अगर कहीं ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड हुआ एस थ्री के जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एस फोर. दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम.